तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। चलिए जी, वापस से आ गई हूँ मैं कुछ चटपटी बिग बॉस 18 से नई न्यूज लेके। जी हाँ, अंदर के सूत्रों से जो खबर मुझे मिली है भैया, बिग बॉस 18 के 4 कंटेस्टेंट के नाम कंफर्म हो गए हैं। और जिन लोगों को बिग बॉस बहुत अच्छा लगता है भाई, जो लोग हमेशा उसको देखना चाहते हैं, लो जी फिर से आ गया बिग बॉस का एक और नया अपडेट। तो चलिए जी, आप लोग के साथ मैं शेयर कर देती हूँ इसको। सबसे पहले आपको बता दें, सीजन की बिग बॉस 18 के सीजन की नई जानकारी सामने आई है। ये अब शो जल्द होने वाला है और इसके पहले 2 कंटेस्टेंट के नाम भी सामने आ गए हैं। तो चलिए जी, मैं आपको बताती हूँ। बिग बॉस OTT खत्म होते ही बिग बॉस सीजन 18 से जुड़ी अपडेट सामने आई है। बिग बॉस 18 टीवी वर्जन शो होगा, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इसमें फैंस को ड्रामा, सस्पेंस, एंटरटेनमेंट सब कुछ देखने को मिलेगा और मिलता रहा है। अगस्त के शुरुआत में बिग बॉस OTT 18 ग्रैंड फाइनल हो गया है, जिसे अनिल कपूर ने होस्ट किया था। अब बिग बॉस सीजन 18 के पहले 2 जो कंटेस्टेंट है और जो शो के होस्ट हैं, उनसे जुड़ी भैया खबरें सामने आई हैं। तो चलिए देख लेते हैं। बिग बॉस रहा है कि इसमें जो पहले कंटेस्टेंट है उनका नाम है शोएब इब्राहिम। जी हाँ, इनकी वाइफ दीपिका कक्कड़ पहले बिग बॉस में आ चुकी हैं, बिग बॉस 18 का हिस्सा रह चुकी हैं और उन्होंने ये सीजन जीता भी था। वेल, मैं आपको बता दूं, एक और जो शोएब इब्राहिम है और जो दीपिका कक्कड़ है, ये मेरे नेबर्स ही हैं। जी हाँ, मेरे घर के पास ही ये भी रहते हैं। बहुत ही क्लोज, मतलब बोल सकते हैं नेक्स्ट बिल्डिंग मेरी जो है वो उन्हीं की है, जहां पर वो रहते हैं। और उनकी पूरी फैमिली यहाँ पर रहती है। पूरी फैमिली यानी कि उनके उनके जो इन लॉज हैं, उनके जो मम्मी पापा हैं, सास ससुर और मम्मी पापा दोनों लोग, सारे लोग एक्चुअली एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। अलग अलग रहते हैं लेकिन एक ही बिल्डिंग में रहते हैं और हमेशा दिखते भी रहते हैं। तो अगर कभी मौका मिलेगा, चलिए मैं उनका भी एक इंटरव्यू आप लोगों को दिखा दूंगी, अगर आप देखना चाहते हैं तो। जो सबसे पहले हैं वो है शोएब इब्राहिम। शोएब की पत्नी दीपिका कक्कड़ पहले बिग बॉस 12 का हिस्सा रह चुकी हैं और अभी वो YouTube ब्लॉग बनाते हैं। बहुत ज्यादा उनका YouTube जो है वो चलता है, घर के वीडियोस बनते हैं, उनके रील्स बहुत सारी आती हैं। हालांकि शोएब ने, क्योंकि वो वीडियो YouTube के ब्लॉग्स बनाते हैं, उसमें उन्होंने ये बात बोली थी कि वो इस सीजन का हिस्सा नहीं होंगे। अभी उनको 3 से 4 साल और लगेंगे इस बिग बॉस के शो में आने के लिए। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो बिग बॉस 18 के कंटेस्ट लिस्ट की ऑफिशियली अनाउंसमेंट के बाद ही आपको पता चल पाएगा, ठीक है। लेकिन जो अंदर से खबरें आ रही हैं उसमें ये बात तो आ रही है। दूसरी बात जो चल रही है वो है दी दिग्विजय राठी। वह बॉस मैन है और अकेले ही पूरे सीजन पे राज करेंगे। उन्हें मैंने MTV स्प्लिट्स विला 15 में देखा, वह बहुत अच्छे हैं। इस पोस्ट पर एक यूजर ने तो कमेंट करते हुए लिखा है कि दिग्विजय राठी बिग बॉस 18 के विनर हैं। भैया अभी गए नहीं, विनर भी पहले से लोगों ने करना शुरू कर दिया उनको। हालांकि दिग्विजय राठी बिग बॉस 18 में होंगे या नहीं होंगे अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, बिग बॉस 18 के शोएब और दिग्विजय राठी के अलावा टीवी के जो एक्ट्रेस है आंचल साहू और एक्टर अर्जुन बिजलानी, इनका भी नाम सामने आ रहा है। देखिए, अंदर से इस तरह की खबरें छोटी छोटी से छन छन के बाहर आती हैं, बाकी तो जब इनका ऑफिशियली सामने आएगा तब और ज्यादा पता चलेगा आप लोगों को। लेकिन हम तो थोड़ी बहुत खबरें हम निकालते हैं, वो सच्ची कितनी है कितनी नहीं है आने वाले टाइम में आपको थोड़े दिन में पता ही चल जाएगा। बिग बॉस OTT 3 अगस्त के शुरुआत में ही खत्म हो गया है, जिसकी विनर सना मकबूल है और नेजी फर्स्ट रनर अप है। तो ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि बिग बॉस सीजन 18 इस साल अक्टूबर के महीने में शुरू हो जाएगा। इसके लिए मेकर्स ने कंटेस्टेंट से बात करना भी शुरू कर दिया है। वहीं होस्टिंग की बात करें तो बिग बॉस OTT 3 को अनिल कपूर ने होस्ट किया था, ठीक है। लेकिन अब फैंस चाहते हैं कि वापस से सलमान खान ही 18 मतलब बिग बॉस 18 को होस्ट करें। तो ऐसे में हो सकता है कि ये सीजन सलमान खान ही होस्ट करेंगे। तो जो लोग सलमान खान को देखना पसंद करते हैं उनके लिए तो ये अच्छी न्यूज ही हो गई है। बाकी आगे की जितनी भी खबरें होंगी मैं आप लोगों को बता दूंगी और जल्दी, बहुत जल्दी इसके बारे में भी बताऊंगी। फिलहाल ये खबर कैसी लगी अंदर की, ये मुझे आप कमेंट करके बताना जरूर, कैसी लग रही है खबरें और क्या आप बिग बॉस सीजन का वेट कर रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपके साथ में उसको और ज्यादा शेयर करूं और अच्छे तरीके से। तो चलिए, कमेंट करना बनता है आप लोगों का, कमेंट करिएगा और बताइएगा जरूर कैसी लगी आज की न्यूज।